हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चलो बच्चे लोग बोलो थैंक यू। नहीं तुम लोग को विश करना है, साथ में 1 2 3 हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो आज है चिल्ड्रंस डे और यहाँ पे है मेरे बच्चे और यहाँ पे एक और बच्चा है। ये देखिए, ये भी बच्चा है, कोविड देखो, ये भी बच्चा हाँ खुश हो गया। ठीक है, सो चिल्ड्रन डे के अवसर पे हम दे रहे हैं ये लोग को पार्टी। एक्साइटेड हो? चलो पार्टी करने के लिए तैयार हो जाओ। और आज हम ये लोग को देंगे बम्पर पार्टी क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे। लेकिन एक सवाल है, पहले बताओ चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चे देखो टीचर डे उसके याद में। सॉरी सर, बढ़िया लगा टीचर डे में। जवाहरलाल नेहरू जी, सही जवाब। तो आज है बच्चों का दिन और हम हैं बच्चों की टीचर्स। हम ही तो इन दोनों को टीच करते हैं क्या? yes. है ना। सो आज तुमको देना बनता है ये लोगों को बहुत बड़ा पार्टी। सो चलो पार्टी किया जाए। एक्साइटेड हो? हाँ, तो पार्टी में होगा ओरियो। आप लोग को क्या लगा कि हम हम आप लोग को पिज्जा बनकर खिलाएंगे रोज रोज? चलो एक तुम लो, पकड़ो हाथ में लेके ब्रांडिंग करो थोड़ा। एक तुम लो ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग दूसरा फ्रूटी देखो। तो ये लोग आज का पार्टी और ये मेरा ये। और यहाँ पे कोविड भी एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि उसको अभी तक नहीं मिला है, उसको भी मिलेगा क्योंकि इसमें से एक एक हम लोग दे देंगे कोविड को। तो उसका 3 बिस्किट हो गया और उसका भी हो जाएगा पाउडी। बोला अच्छी दे दिया ना, बहुत अच्छी गंदी दो। ऐसे कहते हैं कंजूस लोग, ऐसे ही अपने बच्चों को ठग लेते हैं और बच्चा लोग भी खुश हो जाता है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे। और ये कोविड का भी पार्टी, कोविड भी खा लिया बिस्किट, कोविड खा लिया, गुड बॉय। अब तुम लोग भी कोविड को बिस्किट दे दो, सिर्फ सेल्फी सब अपने खा लिया। चलो एक दो गाइस, एक आज अभी रील बनाया, इतना मस्त था, एकदम लग रहा था कि हम ही बोले हैं, मतलब कि मेरे लिए ही था। क्या था उसमें? जो चीज मुझे आती है वो है बदतमीजी। एकदम मेरे लिए, इसीलिए मेरे रिलेटिव बच के रहो। और मेरे मेरे क्या बोले, जो बनते हैं कि मेरे दोस्त हैं बट दोस्त नहीं रहते हैं अभी, तो वैसे कोई है नहीं बट जो भी लोग था या जो भी, तो वो लोग भी बच के रहो क्योंकि हम तो बहुत बदतमीज है भाई, तो बहुत बदतमीज। इसलिए मेरा सोसाइटी वाला, मेरा रिलेटिव सब, मेरा नागिन नाग मतलब क्या कहते हैं दोस्त के नाम पर कलंक वगैरह दोस्त, वो लोग सब मुझे बच के रहे। तो मैं जब बदतमीजी करने पर आती हूँ ना, तो बस यही आता ही है मेरे को, नेचुरल है, नेचुरल। भगवान से पहले भेजे ना हमको ऊपर से, तो बोले क्या तुमको एक नया से टैलेंट दिखाते हैं, तो क्या दिए थे? जो चीज मुझे आती है वो है बदतमीजी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसे करने में। स्वैग है उनका, स्वैग सोनल का, स्वैग सोनल बाबी का, स्वैग ये। ये लोग मेरे को बाबी कहती है क्योंकि जैसे कि मेरे को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आता है, हाथ वगैरह पढ़ने, तो ये लोग कहती है सोनल बाबा नहीं कह सकती है, तो बाबी कहती है सोनल बाबी का स्वैग। जस्ट शट अप, एक भी बात मैं गलती बताती हूँ, जितना आता है अच्छे से आता है, सही सही आता है। चल चल चल, सबका असली में बताते, सबका सबका। गाइस गाइस गाइस, आगे मिलते हैं आप लोगों से गाइस। कभी कभी पागलपन चढ़ जाता है मेरे पे। सीला ऐसे नहीं, सीला नहीं, सोनल। जल्दी भाई जल्दी रही, सोनल अपनी मस्ती में चलते रही। ओ माय गॉड, हम ये लूज टी शर्ट और ये गॉगल्स में भी सुंदर लगते हैं। काश मेरे पास अच्छा फोन होता तो हम और भी मस्त पटाखा बवाल और चकास लगते हैं। जल्दी से भगवान जी फोन दे दो मेरे को, अच्छा वाला एक आईफोन दे दो। आईफोन वो है नहीं, ये ठरकी को बोलता है उसका फैन, और हम बोलेंगे आईफोन। कोई नहीं हंस रहा है, सब बोर हो चुका है मेरे मेरे हंसी से। ऑफ कोर्स, लेकिन सब मेरी ही वजह से हंसते हैं, अंदर में तो हंसी रहा होगा सब, लेकिन दिखा नहीं रहा है। सोनल आए, सोनल बाबी आए, तो दीप जलाओगी, कितना अच्छी बात है ये। सोनल बाबी जाएगी तो दीप जलाओगी, जल्दी चल जाओ सोनल बाबी, घर छोड़ के, घर छोड़ के, यूनिवर्स छोड़ के, यूनिवर्स मेरा कॉमेडी स्टाइल का है, ये मेरा कॉमेडी स्टाइल का, इस स्टाइल को आप लोग पहले देखे हैं क्या? देखे हैं कुछ लोगों का ऐसा ही, जो गुटखा खाते हैं क्या कहते हैं, खाई नहीं खाते हैं, उनका दांव दांत ही होता है। बोलिए सर क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या आप हमको एक सोडा देंगे क्या? कुछ बोलना है क्या? ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं आगे क्लब में, ठीक है बाय, रुके रहिएगा जब तक गुलाब खत्म नहीं होता है। सो गाइस, हम लोग खाना पीना खा के मतलब अपना पार्टी वार्टी करके पेट भर लिया और आप सुनाते हैं गाना क्योंकि बहुत दिन से गाना नहीं सुना है और पीछे मेरे डिस्टर्ब करने वाला डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, बट इट्स ओके। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस और ये अभी मेरा लेटेस्ट फेवरेट गाना है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, शक्ति भी आता है थोड़ा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ जो मेरे इस चीज़ की कमी है, किसी और चीज़ की अब डर खा रही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरे पार कैसे पाऊँ,
टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊं। मेरे को डिस्टर्ब करता है सब गाइस। ठीक आगे कहाँ था, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मुझसे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरे ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तेरे कर्म से अब ये सरेआम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और इसमें फ्रूटी तो बहुत डिस्टर्ब की है, और मेरा लिरिक्स भी बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है। ओह माय माय गॉड, वाह थैंक यू, हम तुम्हारा कितना बड़ा काम किया कि तुमको मतलब कि परमेश्वर से मिला दिया। ओह माय गॉड। और इसी के साथ नया सॉन्ग प्रस्तुत करते हुए, सो ये भी मेरा फेवरेट चल रहा है, वो वाला ये वाला दोनों मेरा फेवरेट चल रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। ठीक है, अब राम जी आएंगे तो क्या करेंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। ठीक है, और उसके आगे जब राम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, राम नहीं राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठी मीठी मैं भजन उनको सुनाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। ओह माय गॉड, ओह माय माय। और ये हुआ हम लोग का कॉन्सर्ट आज का खत्म, और ये मेरी दादी अम्मा जो कि मेरे पीछे ताली बजा रही थी थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग सुनेंगे कि हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग की, और आप लोग बताइए कि हम लोग का ये कॉन्सर्ट कैसा था दो लोगों के बीच का। एक ऑडियंस एक गाने वाला। ओह माय गॉड। So, अभी हम लोग सोचे कि चलो आज मेरा अपना कुंडली पढ़ते, क्योंकि आज तक हमने कुंडली नहीं पढ़े, तो अभी नया नया सीखे हैं कुंडली उंडली पढ़ना। सो देखा जाए थोड़ा पढ़ा वढ़ा जाए कुंडली, एंड अपना कुंडली पढ़ते हैं और ये लोग को देखते हैं क्या ये लोग का रिएक्शन होता है। वैसे तो मेरा तारीफ ही लिखा होगा, बट ये लोग को बिलीव तो होगा नहीं, क्योंकि ये मेरा तारीफ ना अपने मुँह से करेगा और ना ही ये लोग सुन सकता है। ठीक है, तो वाह कितने सुंदर लगते हैं यार, हमको कभी लगता है ओह माय गॉड, मतलब भगवान मेरा आँख परफेक्ट बनाए, एकदम जो आइडियल सेफ होता है क्या, वॉलनट हाँ चाहे जो भी उस सेफ का, और लिप भी एकदम परफेक्ट, नोज तो महा परफेक्ट एकदम लंबा चौकसा, एंड बाल भी भगवान एकदम घना एंड ब्लैक एंड लंबा सब कुछ दिए, आईब्रो भी ऐसा दिया कि बनवाने का जरूरत है नहीं, बट हम कभी कभी बनवा लेते हैं पता नहीं क्यों, और गाल भी भगवान एकदम रसगुल्ला की तरह दिए, फॉरहेड भी भगवान एकदम परफेक्ट मेजरमेंट करके दिए, कान भी ठीक ही है, तो मतलब इतना ज़्यादा हाइट, तो भाई पता नहीं कब मेरी हाइट का लंबा लड़का मिलेगा, बट खैर 5'9" है, मतलब हर चीज़ इतना परफेक्ट, और मल्टी टैलेंटेड मतलब क्या नहीं आता है, कुकिंग भी आई करता है, करते नहीं पता लगा क्योंकि करना पसंद नहीं आता है, और गेम में भी बैडमिंटन कबड्डी ये सब आता है, खेलते नहीं कभी कभी खेल लेते हैं बैडमिंटन, स्कूल टाइम में बहुत खेलते थे, और फैशन मेकअप पढ़ाई हर चीज़ है, मतलब कौन लड़का फिदा नहीं होगा, कौन लड़का 200 का, नहीं लगता 200 मतलब ज्यादा, मतलब मेरा और होना चाहिए कम से कम 500-600 तो प्रपोजल आना ही चाहिए, वो पता लगे कि हम भाव नहीं देते, हम देखते भी नहीं ऐसे कोई देखेगा तो ऐसे। चलो आगे गाइस, डोंट टेक इट सीरियस बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल इन माई वर्ल्ड, ओके सो आप लोग ज्यादा हमको सीरियस मत लीजिएगा, वो तो भाई वो तो सब पता लगे। हाँ तो गाइस चलो कुंडली पढ़ा जाए, ओके ओके ओके। फॉर्च्यून विल साइन अपॉन हर बाय लीडिंग अ रिलीजियस लाइफ, पता नहीं इंग्लिश ज्यादा समझ में आने लगी, बहुत गंदा राइटिंग लिखा, लेकिन यहां पे लिखा एजुकेशन गुड गोइंग, पता जो बोलता पढ़ा लगा सुबह तो साक्षी के भी जो पढ़ते चलो बता देता नहीं बाबा, वो भी उसको यही बोले, उसका कुंडली भी अभी ही बना और मना किया उसको देने से, मतलब कुछ भी अच्छा होगा खराब होगा मुझे वो बच्चा जान गया अपने बारे में, इंग्लिश कुंडली इन अर्लियर लाइफ ऑफ जातिका मे बी इंट्रोड्यूस एज अ गुड एडुकेशन और रिचुअल एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेडी टू ह्यूमन बीइंग विद डोमिनेटरी पर्सनालिटी, मतलब कि डोमिनेंस करने वाले, सही बात है, इन अर्लीस्ट चाइल्डहुड लाइफ इन टाइम अ फ्यू उंस कफ एंड कोल्ड स्लाइट, ओ माय गॉड सही बात है, मतलब कि कुछ कट लग सकते हैं, कफ और कोल्ड स्लाइट हो सकता है, एक्सेट्रा मे हैपन, मैरिज लाइफ इज क्वाइट पीसफुल विद अ रिस्पेक्टेबल एंड सेल्फ सब
ऑर्डिनेट एस्टैब्लिश्ड पर्सन, ऐसा ही तो पर्सन चाहिए जो खुद बने, किसी का बाप का वो ना हो, मतलब अपने बाप का पैसा वैसा ना, खुद बने, लिखा होगा कि बहुत रिस्पेक्टेबल होगा, नहीं उससे तो नहीं होगा, पागल हो गया। रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, सेल्फ सफिशिएंट एस्टैब्लिश्ड पर्सन होगा, और टू और थ्री बेबी इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, दो और तीन बच्चा हो सकता है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों होगा। फॉर्च्यून विल स्माइल अपॉन हर बाय लीडिंग अ रिलीजियस लाइफ, मतलब हम स्माइल करते रहेंगे और रिलीजियस लाइफ भी जिएंगे। वाओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड यहां पे दिया हुआ चाइल्डली अप डाउन, चाइल्डली एंड अप डाउन, मतलब चिलबुला नेचर होगा, एजुकेशन गुड गोइंग एंड अदर डेवलपमेंट सर्विस लाइफ एंड मैरिज पीरियड रेडी स्टार्ट, मैरिज कंप्लीट बी एफ 23 एंड क्या लिखा है, मैरिज मैरिज कंप्लीटेड बिटवीन 23, फक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, परसों तो नहीं होगा मेरा शादी, परसों मतलब अगले साल 23 में होगा, 23 डोमिनेटिंग पर्सनालिटी मतलब घमंडी पर्सनालिटी, तो ठीक है अगर हमको कुछ मिला है, भगवान हमको दिए घमंड करेंगे नहीं, सो अभी हमको बिजनेस करना है और हम पैसा कमाएंगे और बहुत ज्यादा पैसा कमा के पहले घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उसके बाद लड़का आएगा, जितना ऊपर था उतना ऊपर लड़का, लड़का के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, ओके कुंडली पर है लिखा है 23 साल की उम्र में उसका शादी होगा, बस 2 साल बाद निकालना है घर से, ये सब बकवास बात है, और अभी हम बनेंगे बिजनेसमैन और कराएंगे बहुत ज्यादा, कुंडली पड़े हैं लोग तो यही कंफ्यूजन आया है कि 23 साल की उम्र में उसका शादी हो रहा है, तो उसको बस निकालना है घर से बाहर, तो पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे उसके बाद लड़का मिलेगा और क्या कहते हैं उसके बाद, इतना जल्दी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी तुमको पढ़ना है, कमाना है और फिर अपने पैसा भी उड़ाना है और फिर करना है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सारी का हिंट था, 2 साल है तुम्हारे पास, सोना सैंडल ले, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, नहीं बकवास नहीं, इतना जल्दी हमको नहीं करना है, गलत नहीं वो हमको लगता है गलत हो गया, 26 होगा, 26 27, अभी तो हमको बहुत ज्यादा मस्ती करना है, और हम नौकरी करेंगे तो ना, उसमें लिखा है कि हम लग्जरी हैं, ये वो डिस्ट्रैक्ट हो, पति का पैसा उड़ाने वाली लड़की हम नहीं, गुड एजुकेशन, ऐसे इतना सब के बाद हम लोग बैठ गए हैं, कुछ सामान लेना था, और यहाँ पे देखिए हम कितने प्यारे लग रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे गाइस, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, साउथ इंडियन लुक, ब्यूटीफुल। और अब हम लोग यहाँ पे खाए हैं मोमोज, एंड ये भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, बागलपुर का बेस्ट मोमोज है ये, काफ़ी अच्छा है, एकदम लगता है कि रियल वाला मोमोज का टेस्ट है इनका, जो भी मोमोज बहुत पतला होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर हम लोग शॉपिंग करके वापस आ गए और मम्मी हमको एक गिफ्ट दी, इयरिंग, जो कि आप लोग देख लिए होंगे, बताना कैसे लग रहा है। और फिर यहाँ पे भागलपुर इतना प्यारा सजा था, क्योंकि आज काली पूजा था और मेला भी लगा था, बहुत ही प्यारा सजा था, एकदम लग रहा था कि दुल्हन बन गया है मेरा शहर, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो हम क्लिप ले लिए एंड फिर घर आ गए वापस, और घर पे वापस से वही सब बातें चल रही थी। अब क्या होगा, नहीं यार होगा, हाथ से पैसे जोड़ना शुरू किया थे, लगा मैंने खरीदा, दीदी किसके लिए, एकअप वाला तब तक कमा लेंगे, सोर्स खोजिए, बात यह है कि आपका 2025 में शादी हो सकता नहीं, मतलब होगा ही, ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे देखा जाए। प्लस लड़का, लड़का का कुछ कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, आपको ढूंढने का भी जरूरत नहीं है, वो द बेस्ट प्लेस पे है अपना, बस आपका कि आप अपने में बहुत सुधार लाइए, व्यवहार जो भी है वो भी है, अपने पे काम कीजिए बेसिकली, अब ये मूवमेंट होनी है। तो कैसा लड़का, तुम क्या लगता है, कितना कॉन्फिडेंट, कितना है, कैसा कॉन्फिडेंट पक्का अच्छा होगा, क्या चीज़, बहुत अच्छा आपसे, बहुत अच्छा होगा आपसे, सकल वाइज नहीं, पर हाँ उसका पर्सनलिटी नेचर सब बहुत अच्छा होगा, बच्चा उधर तक नहीं करेगा ऑफकोर्स आपकी तरफ, और वैसे ही है फ्यूचर का प्रेडिक्टेशन अच्छा, और आपका जैसे ड्रीम साड़ी वाली जो है सपना वो सभी पूरा होगा, जैसे हम जिसको बुलाना चाहते हैं वो सब भी होगा,
आप बोलेंगे हमें शादी करो, ऐसा हो जाएगा, पर जल्दी होगा, वैसा होगा।